साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध अस्पताल का खुलासा हुआ है। जी हाँ, अवैध अस्पताल हम इसलिए कह रहे हैं कि एक अस्पताल जहां व्यक्ति जो मरीज जीवन की रक्षा करने के लिए जाता है, जहां अपने बीमारियों से निजात पाने के लिए जाता है, या एक्सीडेंट के बाद अपने आप को बचाने के लिए जिस अस्पताल में जाता है, वो अस्पताल अवैध था। यानी डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उनके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई सरकार से मान्यता उस अस्पताल की थी। आपको बता दें कि यह पूरा वाक्य गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके में पचगांव तावड़ू रोड का है। बालाजी के नाम से एक अस्पताल चल रहा था। इस अस्पताल की सूचना सीएम स्क्वाड को मिली, यानी सीएम फ्लाइंग विंग को इसकी सूचना मिली थी, और सीएम फ्लाइंग विंग ने एक टीम का गठन कर फाजिलपुर फाजिल वास मार्केट है वहां पे छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो कुछ मिला उसे देखकर और जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये बालाजी के नाम से अस्पताल है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें उसी अस्पताल की है। अस्पताल देखने में एक बड़ा अस्पताल लग रहा है और 14 से 15 बेड की व्यवस्था इस अस्पताल में थी। यहां तक कि ऑपरेशन भी अस्पताल में हो रहे थे, ओपीडी भी चल रहा था और लोगों को भर्ती भी किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही टीम वहां मौके पे पहुंची, टीम ने इनसे जानने की कोशिश की तो किसी ने ना तो कोई डिग्री वहां मिली किसी डॉक्टर की, ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ ने अपना डिग्री दिखाया और ना ही इस अस्पताल चलाने के लिए कोई परमिशन ली गई थी। टीम जब मौके पे पहुंची तो वहां सीट पर एक सोनू कुमार नाम का व्यक्ति मिला जो जिंद हरियाणा का रहने वाला था। अपने गले में आला जिसे बोलते हैं वो लगा रखा था और मरीजों का इलाज कर रहा था। जब टीम ने उससे पूछताछ शुरू की, यानी सीएम फ्लाइंग विंग ने पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि उसके पास कोई डिग्री ही नहीं है और जो अस्पताल में जिस डॉक्टर का मुहर इस्तेमाल किया जा रहा था वो डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, जो MBBS हैं और जो वहां शेयरिंग बेस पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीने से वो वहां आए ही नहीं। जब टीम ने खंगालनी शुरू की तो वहां ऑपरेशन थिएटर भी मिले, दवाइयां काफी मिली और कई तो दवाइयां जीवन रक्षक मिली। हालांकि अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयां तो होती ही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस अस्पताल में जो जीवन रक्षक दवाइयां थी वो एक्सपायरी डेट की थी। यहां तक कि जितनी भी दवाइयां मिली उसमें से मैक्सिमम दवाई एक्सपायर हो गई थी और उन्हें कहां से खरीदा गया था इसका भी कोई रिकॉर्ड अस्पताल प्रबंधन ने कुछ सामने नहीं दिखाया, कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। रेडिंग टीम जो थी वो बालाजी अस्पताल की जब निरीक्षण करना शुरू की तो मिला कि कई गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी भी किया गया है और यहां तक कि सीजेरियन भी डिलीवरी यहां पे किया गया है। लेकिन ना तो कोई सक्षम वहां डॉक्टर थे और ना ही किसी नर्सिंग स्टाफ मिली जो ये डिलीवरी करा रही थी। यानी ये कुल मिलाकर फर्जीवाड़ा का एक बड़ा खेल था और उस दौरान अगर आप और हम भी उस अस्पताल में जाए इलाज कराने के लिए तो वहां आपके जान के साथ भी खिलवाड़ हो सकता था। रेडिंग टीम ने इन सभी सामानों को समेटा, सभी दवाइयों को लिया, जितने OT ऑपरेशन थिएटर रूम में दवाइयां थी या जितने सामान थे उन सबको लेकर जो अस्पताल संचालक है बिट्टू यादव, डॉक्टर धर्मेंद्र व डॉक्टर सोनू के खिलाफ बिलासपुर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है और अस्पताल को सील कर दिया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही अस्पताल है जो अस्पताल इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मरीज यानी हम और आप जब बीमार होते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है या किसी तरह की कोई समस्या होती है तो हम अस्पताल में जाते हैं, लेकिन अस्पताल के नाम पर देखिए कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा था और किस तरह से ये डॉक्टर जो ना तो कोई ट्रेंड है ना ही इनके पास कोई डिग्री है और मरीजों के जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे थे, ये पुलिस के नाक के नीचे चल रहा था। और सीएम फ्लाइंग विंग ने इस पे छापेमारी करके इसका खुलासा किया है। फिलहाल ये तो पहला अस्पताल गुरुग्राम में नहीं है, गुरुग्राम में कई ऐसे तमाम इन इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में ऐसे अस्पताल चलते हैं जो मरीजों के साथ खिलवाड़ करते
करते हैं, जो लोगों के जान से खेलते हैं। अब देखिए किस तरह से सिजेरियन किया गया है, यानी कई दस्तावेज इस अस्पताल में ऐसे भी मिले हैं जहां ऑपरेशन किया गया है, महिलाओं की डिलीवरी कराई जाती है और लोगों को एडमिट कराया जाता है, और जिनके भरोसे सब कुछ होता है, जो इलाज करते हैं, उन्हें तो मुन्ना भाई MBBS भी कहना उन्हें गलत होगा, क्योंकि वो तो ना किसी तरह की उनके पास कोई ट्रेनिंग है और ना ही सरकार से मान्यता। तो आप भी सावधान हो जाइए। दरअसल एक खबर दिखाने के पीछे हमारा भी मकसद है कि आप जब भी इस अवस्था में हो और ऐसे किसी अस्पताल में जाएं, तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका इलाज जो डॉक्टर कर रहा है वो वास्तव में डॉक्टर है या फिर कोई झोला छाप कर्मचारी, जो नीम हकीम खतरे जान की कहीं ना कहीं आपको गले न पड़ जाए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।